आज हम बात करने वाले हैं चंद वंश के बारे में। चंद वंश एक ऐसा वंश था जिसने 700 से 800 वर्ष तक एक छत्र कुमाऊं पर राज किया था। चंद वंश का वास्तविक संस्थापक सोमचंद था, जो कन्नौज नरेश का भाई था। वह एक शिव का बहुत ही परम भक्त था। एक बार जब वह तीर्थ यात्रा में आया तो उसकी मुलाकात ब्रह्मदेव, जो कत्यूरी राजा था, उससे हुई। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे कुछ भूमि दहेज स्वरूप दी। चंपावत में इसी में उसने राजबुंगा का किला बनाया। सोमचंद ने चार किलेदार भी नियुक्त किए थे, जिन्हें चाराल कहा जाता था। सोमचंद के समय दो दल या फिर जातियों का बड़ा दबदबा हुआ करता था, वो थे मेहरा और फड़तियाल। सोमचंद डोटी के राजा को कर दिया करता था। डोटी मल्लवंशी थे, जिन्हें रेखा कहा जाता था। सोमचंद के बाद महत्वपूर्ण राजा इंद्रचंद आया, जिसने रेशम व्यापार शुरू करवाया था। फिर आता है थोहर चंद, जो कुछ विद्वानों के अनुसार वास्तविक संस्थापक था। उसका उल्लेख किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक में भी मिलता। अब आता है महत्वपूर्ण राजा गरुड़ चंद। 1374 से 1419 ईस्वी तक यह एक पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली दरबार गया। उसने तराई भाबर की जागीर देने की प्रार्थना की। फिरोज शाह तुगलक उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे जागीर के साथ गरुड़ की उपाधि भी दी। फिर आते हैं उघान चंद। उघान चंद का जो कार्यकाल था वो 1420 से 21 तक था। तो इसके समय चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जो कुंज शर्मा तिवारी नामक गुजराती ब्राह्मण ने किया था। इसके बाद आता है विक्रम चंद, जिसका कार्यकाल 1423 से 37 ईस्वी था। इसके समय 1423 ईस्वी का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बालेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार का उल्लेख है। विक्रमचंद के अंतिम दिनों में इसके भतीजे भारतीचंद ने विद्रोह किया, जिस कारण विक्रमचंद को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब आता है भारतीचंद। आते ही इसने अपने राज्य को डोटियों से मुक्त घोषित कर दिया, जिस कारण 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भारतीचंद विजय हुआ। दो महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन पर भारतीचंद कब्जा करना चाहता था वो थे सीरा और सोर क्षेत्र, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हुआ। इसके समय एक और घटना हुई, वह थी नायक जाति की उत्पत्ति, जो चंद सैनिकों की अवैध संतानें थी। फिर आते हैं रतनचंद, जिसका कार्यकाल था 1450 से 88 ईस्वी। रतनचंद के समय डोटी राज्य के एक व्यक्ति जिसका नाम था नागमल, उसने विद्रोह कर दिया, जिस कारण शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली। रतनचंद ने नागमल को पराजित कर पुनः डोटी में शाही वंश के राजा को नियुक्त किया। फिर उसके बाद आए कीर्ति चंद, जिनका कार्यकाल था 1488 से 1503 ईस्वी तक। नाम के अनुसार कीर्ति चंद ने अपनी कीर्ति पताका चारों तरफ फैला दी। उसने बहुत सारे क्षेत्र अपने अधीन किए, जैसे बारामंडल, विशोध, खगमरा कोट, केडोरो बरोड़ो, पाली पछाओं, कोट कोटाली। तो कीर्ति चंद ने जसपुर के निकट एक नगर कीर्तिपुर बसाया था। अब हम सीधा आ जाते हैं भीष्मचंद। भीष्मचंद के कार्यकाल में भीष्मचंद ने राजधानी स्थानांतरण की योजना बनाई और अल्मोड़ा में खकमरा कोट किले का निर्माण भी किया। उसके समय बहुत सारे षड्यंत्र हुए, इसलिए उसने राजधानी स्थानांतरण की योजना बनाई, क्योंकि चंपावत एक कोने में हुआ करता था और एक ऐसी राजधानी की आवश्यकता थी जो मध्य में हो, इसलिए अल्मोड़ा स्थान को चुना गया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक पुत्र गोद लिया था, जिसका नाम बालो कल्याण चंद रखा गया। भीष्मचंद की राजधानी योजना को सही तरीके से कार्य रूप प्रदान किया बालो कल्याण चंद ने। उसने कूटनीति का सहारा लिया और अपनी रानी, जो डोटी के रेखा की बहन थी, उससे अपने भाई जिसका नाम हरिमल्ल था, उससे सीरा दहेज में मांगने की सलाह दी। सीरा के स्थान पर उसे सोर क्षेत्र बड़ी आसानी से मिल गया। फिर आते हैं रुद्रचंद। रुद्रचंद का जो कार्यकाल था वो था 1568 से 1597 तक। रुद्रचंद के समय एक घटना हुई, हुसैन खां टुकड़ियां, उसने कुमाऊं में आक्रमण कर दिया और खूब धन लूटा और लखनऊ का सूबेदार था। कुछ समय बाद 1575 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर रुद्रचंद ने तराई में बसी मुस्लिम आबादी को वहां से हटा दिया। यह सूचना जब अकबर तक पहुंची तो उसने सबक सिखाने हेतु एक सेना वहां भेजी, लेकिन उससे पहले वह मुगल दरबार पहुंच गया। यह घटना 1588 ईस्वी की है और
वह बहुत सारे तोहफे भी ले गया था, जिस कारण अकबर अति प्रसन्न हुआ और उसने 84 माल का तराई भाबर क्षेत्र जागीर के रूप में दिया। रुद्रचंद ने सीरा क्षेत्र जो हरिमल के अधिकार में था उसे जीतने हेतु बहुत प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। लेकिन वह प्रयास करता रहा और आखिरकार सेनापति पुरुषपंत के नेतृत्व में उसने सीरा पर अधिकार कर लिया। उसने रुद्रपुर नगर बसाया और अल्मोड़ा में मल्ल महल भी बनाया। रुद्रचंद ने गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की भांति ही कुमाऊं में चौधाणी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। उसका एक नेत्रहीन पुत्र भी था जिसका नाम था कुंवर शक्ति सिंह, जिसने भूमाप और भूकर व्यवस्था में सुधार किए। इसी कारण उसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता था। उसने संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की थी अल्मोड़ा में। फिर आते हैं लक्ष्मी चंद, जो 1597 से 1621 ईस्वी तक जिसने राज किया। इसने 7 बार गढ़वाल में आक्रमण किया था, परंतु वह असफल रहा। 8वीं बार सेनापति गेंडा सिंह के नेतृत्व में उसने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में गढ़वाल का शक्तिशाली सेनापति खतड़वा मारा गया, जिसे कुआं में आज भी खतड़वा मनाया जाता है। लक्ष्मीचंद को लखुली विराली कहा जाता था, क्योंकि वह मुगलों के आगे भीखी बिल्ली बन जाता था। इसने 1602 ईस्वी में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। 1621 ईस्वी के बाद राज्य में उथल पुथल मच गई और दलीप चंद ने 3 वर्षों तक राज किया। फिर कुंवर विजय चंद गद्दी पर बैठा। वह एक विलासी राजा था, जिस कारण सत्ता अधिकारियों के हाथों में आ गई, जो थे सुखराम कारकी, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट। तो इन्होंने अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। तो लक्ष्मीचंद का एक पुत्र नील गोसाई था जो इनका विरोध किया करता था, उसकी उन्होंने हत्या करवा दी थी। कुछ समय बाद सुखराम कारकी ने विजय चंद की भी हत्या करवा दी थी। फिर त्रिमल चंद को राजा बनाया गया, जो मेहरा दल की पहली पसंद थी। उसने 1625 से 38 ईस्वी तक राज किया। उसने नील गोसाई के पुत्र का पता लगवाया और उसे किसी तरह महल में लाया गया। उसका नाम बाजा या फिर बाज बहादुर चंद था। अब बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल था वो 1638 से 78 ईस्वी था। इसने शाहजहां से भेंट की थी 1655 ईस्वी में और अपने राज्य को कटिहारों के आतंक से बचाने की प्रार्थना भी की थी। उसी समय मुगल सेना गढ़वाल में आक्रमण हेतु खलीतुल्ला के नेतृत्व में जा रही थी, तो बादशाह ने बाज बहादुर को भी युद्ध में आमंत्रित किया और इस युद्ध में बाज बहादुर ने अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। इसी कारण उसे शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी। बाज बहादुर ने मानसरोवर मार्ग में हुनियों के आतंक को भी समाप्त किया था। जब वह हुनियों का दमन कर रहा था, उस समय मेदिनी शाह गढ़वाल के युवराज ने कुमाऊं में आक्रमण किया। जब यह सूचना बाज बहादुर चंद को पता लगी तो उसने गढ़ सेना को श्रीनगर तक खदेड़ दिया और फिर संधि के बाद सैन्य खर्च भी कर स्वरूप लिया और फिर विजित क्षेत्र लौटा दिया था। भोटिया या फिर सोका द्वारा दी जाने वाली तिब्बतियों को जो दस्तूर दी जाती थी वो बाज बहादुर चंद ने समाप्त कर दी थी। बाज बहादुर ने भोटियों और सोकाओं से सिरती नामक कर भी लिया था। के बाद आया घोतचंद, जिसने 20 वर्षों तक राज किया 1678 से 98 तक। गद्दी में बैठते ही उसने बधाणगढ़ पर आक्रमण किया। 1680 के आसपास डोटी के राजा और पमार शासकों ने संधि कर ली और एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। डोटी ने चंपावत पर और पमारों ने द्वारहाट क्षेत्र में अधिकार कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उगोदचंद ने दोनों को पराजित कर दिया था। उसके बाद वह प्रयाग चला गया और तभी डोटी के रेखा देवपाल ने काली कुमाऊं में फिर आक्रमण किया। जब उगोदचंद को सूचना मिली तो उसने रेखा पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। फिर रेखा ने अजमेरगढ़ में शरण ली। उसे भी उगोदचंद ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। फिर रेखा ने खेरागढ़ में शरण ली, वहाँ भी उगोदचंद ने अधिकार जमा लिया था, जिस कारण आखिरकार रेखा को संधि करनी पड़ी थी। फिर ज्ञानचंद का कार्यकाल था 1698 से 1708 ईस्वी था।
उसने आते ही 1699 ईस्वी में बधाणगढ़ में आक्रमण किया और वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लाया और अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में उसे स्थापित किया। तो धौली का युद्ध 1703 ईस्वी में ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ, जिसमें पंवार सेना पराजित हो गई थी। लगातार एक के बाद एक हार देखकर फतेह शाह श्रीनगर से भाग खड़ा हुआ और ज्ञानचंद ने श्रीनगर में खूब लूटमार मचाई। जगत चंद 1708 से 1720 ईस्वी तक इसने 12 वर्षों तक कुमाऊं पर राज किया और जगत चंद के ही कार्यकाल को स्वर्ण काल भी माना जाता है। लेकिन इसके बाद जो चंद वंश का पतन शुरू हो गया था, इसी कारण 1720 ईस्वी के बाद के काल को चंद राज्य का अवनति काल भी माना जाता है। देवी चंद 1720 ईस्वी में गद्दी में बैठा, विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया। देवी चंद को कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता था। 1726 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद अजीत चंद ने 3 वर्ष तक राज किया। फिर आया कल्याण चंद चतुर्थ, तो उसके समय में 1743 से 45 ईस्वी में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था। 1745 ईस्वी में शिवदेव जोशी के नेतृत्व में रोहिलों को बाराखेड़ी से खदेड़ा गया। जब तक शिवदेव जोशी जीवित रहे तब तक राज्य सुरक्षित रहा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई और 1777 से 97 के आसपास मोहनचंद गद्दी में बैठा, परंतु इसे हटा दिया गया। 1797 से 86 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न चंद ने राज किया था, या वही प्रद्युम्न शाह था जो गढ़वाल का भी राजा रहा। लेकिन कुछ समय बाद गढ़वाल राज्य में कुछ संकट आ गया था, जिस कारण उसे अल्मोड़ा छोड़ना पड़ा और उसने वह राज्य हर्षदेव जोशी को छोड़कर श्रीनगर आ गया, जब तक मोहनचंद ने अपनी ताकत बढ़ा दी थी और फिर से अल्मोड़ा पर अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद शिवचंद 1788 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जब यह सब कुछ हो रहा था तब हर्षदेव जोशी ने गोरखों के साथ मिलकर राज्य हड़पने की योजना बनाई, तो महेंद्र चंद 1788 से 90 ईस्वी तक इसने राज किया था। ये चंद वंश का आखिरी राजा था महेंद्र चंद। 1790 ईस्वी में गोरखा सेना ने चंद राज्य में आक्रमण कर दिया था और हवाला बाग के साधारण से एक युद्ध में महेंद्र चंद को पराजित कर दिया था। इस प्रकार चंद वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।